हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज से हम एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हम जून मंथ से कवर करते हैं। एनवायरनमेंट की भी हम जून मंथ ऑनवर्ड ही करने वाले थे, लेकिन विजन की मई मंथ की जो मैगजीन थी इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो इसीलिए हम एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स मई मंथ से कवर करने वाले हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी कोई पुराना करंट अफेयर्स है जो कि हमें कवर करना चाहिए तो वो भी विद टाइम कवर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बाकी सब्जेक्ट को हम जून ऑनवर्ड्स कवर करेंगे और एनवायरनमेंट को मई ऑनवर्ड्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे नए बैच के बारे में बताना चाहूँगा जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच प्रीलिम्स फोकस्ड बैच होगा जिसके अंदर जनरल स्टडीज़ के हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही एग्जॉस्टिव तरह से कवर कराया जाएगा। इस बैच के अंदर आपके प्रीलिम्स के जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको हम 4 मंथ्स के अंदर कवर कराएंगे, और फिर उसके बाद मार्च एंड अप्रैल के महीने के अंदर आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप प्रीलिम्स एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर एक एस्पिरेंट को मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है और इन मल्टीपल सोर्सेज की कई बार रिवीजन करनी होती है। इन दोनों ही चीज़ों का ख्याल हम क्लास के अंदर रखते हैं। हम आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। हर एक रेलेवेंट मटेरियल जो कि आपको पढ़ना चाहिए उन सब को रेफर करके आपके नोट्स को तैयार किया जाता है, और इन्हीं नोट्स के ऊपर बेस्ड आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और क्लासेस के अंदर हमारा फोकस होता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप की जाए, इसके साथ साथ आपको बताया जाए कि आप चीज़ों को किस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्लासेस के अंदर ही हम कई बारी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर रैपिड रिविजन बैच भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो हम आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को रेफर करते रहें, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ाई करें, और इसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर किताबें या फिर नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस के अंदर आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड हैं और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इस बैच के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो हम आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं फॉर प्रीलिम्स 2024। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से पहले 40% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसके बाद ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या PC से हमारे कोर्सेज का एक्सेस चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो इस फ़ोन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम चलिए चालू करते हैं। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन चुका है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमारी अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। किस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 0.08 डिग्री सेल्सियस पर 10 ईयर्स। हर 10 सालों में हमारी अर्थ का टेम्परेचर 0.08 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो जाता है, और ये सिचुएशन कंटिन्यू कर रही है सिंस 1880s। ठीक है, 1880 से हर डेकेड हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इसी फिनोमिना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग फिर क्या हो गया? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक लेमन टर्म्स में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारी अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से, जब से दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को हम CO2 के इक्विवेलेंट रख के देख सकते हैं, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उन ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस कितनी गर्मी कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम CO2 इक्विवेलेंट रख के बताते हैं। ठीक है, तो इस मैप को देखिए आप ध्यान से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड मिड 1700s, यानी कि 1750s से आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर 1750 से पहले के टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसको प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम कहा जाता है, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम। इस टाइम पर CO2 की एमिशन 280 पार्ट्स पर मिलियन से कम थी। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? अगर मैं एटमॉस्फेयर के किसी एक हिस्से को चेक करूं कि इस एटमॉस्फेयर के हिस्से में कितनी गैसेज है और किस गैस की कितनी क्वांटिटी है, तो मान लीजिए मैंने एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा लिया, इस हिस्से को मैंने 10 लाख यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया, 10 लाख पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो इन 10 लाख पार्ट्स में
केवल 280 पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के होते थे, ठीक है, 280 पार्ट्स पर मिलियन, 280 पार्ट्स पर मिलियन ये आपके CO2 की कंसंट्रेशन होती थी बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। बट जैसे आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, धीरे धीरे CO2 की कंसंट्रेशन में आपको हल्का हल्का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये हल्का हल्का इंक्रीज और तेज़ होता जा रहा है। और फिर 1900 जब आता है, 1900 आने के बाद आपके CO2 की कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। यहाँ तक CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हुई, यहाँ तक भी कंसंट्रेशन कितनी है, समवेयर अराउंड 290, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ढेर सारी मशीन्स यूज़ करने लग गए, ढेर सारा फ्यूल बर्न किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, डीफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगल क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करते रहते हैं और अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, ये काम होता है। लेकिन जब आप पेड़ काट दोगे, डीफॉरेस्टेशन होगी तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे CO2 बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। और आज की सिचुएशन क्या है, आज के एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन इज़ मोर देन 400 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1750 से पहले 280 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम होती थी, नाउ मोर देन 400 पार्ट्स पर मिलियन हो चुके हैं। और जिसका सीधा असर क्या देखने को मिल रहा है, हर 10 सालों में 1880s के बाद से, यहाँ पे 1880s के बाद से हर 10 सालों में हमारी अर्थ का टेम्परेचर 0.08 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ये रिफ्यूट करते हैं कि कोई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कहते हैं अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, अर्थ के ऊपर कभी आइस एज आती है, आइस एज के बाद अर्थ का टेम्परेचर अपने आप ही वार्म होना चालू होता है, यानी कि ये नेचुरली हुआ है ना, किसी इंसान ने थोड़ी किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो अभी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ये भी नेचुरल है, इंसान से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हमने मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चालू किया, फ्यूल्स को ज़्यादा बर्न करना चालू किया, डिफॉरेस्टेशन हुई, वैसे ही इतनी तेज़ी से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुई और 1880s के बाद से बहुत तेज़ी से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर CO2 ऐसा कर क्यों रही है कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके लिए आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, CO2 एक ऐसी गैस है, CO2 एक ऐसी गैस है कि अगर इस गैस से कोई शॉर्ट वेव रेज जाएंगी तो वो इन शॉर्ट वेव रेज को पास करने देता है, इन शॉर्ट वेव रेज को ये पकड़ के नहीं रखता। लेकिन अगर CO2 से कोई लॉन्ग वेव जाती है जैसे कि इन्फ्रारेड, तो CO2 इसको अपने पास, CO2 इसको बाहर नहीं जाने देता, CO2 एक दरवाजे की तरह बन जाता है और इस लॉन्ग वेव को CO2 ट्रैप करके रख लेता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, CO2 शॉर्ट वेव रेज को पास करने देता है, लॉन्ग वेव रेज को वो ट्रैप करके रख लेता है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट में कहा है कि एटमॉस्फेयर में नॉर्मल अमाउंट ऑफ CO2 है, ये जो आप देख रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में नॉर्मल अमाउंट ऑफ CO2 है, CO2 बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, देखिए सन है, सन से जो रेज निकलती हैं, जो अर्थ की तरफ आ रही हैं, ये शॉर्ट वेव की फॉर्म में होती हैं। शॉर्ट वेव रेज हीट नहीं करती हमारे एटमॉस्फेयर को, शॉर्ट वेव रेज हमारे एटमॉस्फेयर को हीट नहीं करती, ये क्या करती हैं, ये सन से निकलेंगी और अर्थ के सरफेस पे जाके टकरा जाएंगी। अर्थ इन शॉर्ट वेव रेज को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अर्थ का सरफेस हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद अर्थ एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है, यानी कि अब अर्थ गर्म हो चुकी है और अर्थ गर्म होने के बाद अब ये रेज को बाहर की तरफ फेंकेगी, ये हीट वेव्स को बाहर की तरफ फेंकेगी। तो ये आपका अर्थ है, यहाँ से सन की रेज आई, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब अर्थ गर्म हो चुकी है, गर्म होने के बाद ये रेज को बाहर की तरफ फेंकती है। अर्थ जब रेज को बाहर की तरफ फेंकती है तो ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में होता है, लॉन्ग वेव ये होती है आपकी इन्फ्रारेड वेव्स, ठीक है। CO2 लॉन्ग वेव्स को ट्रैप कर लेता है, तो ये एटमॉस्फेयर में CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब अर्थ लॉन्ग वेव को बाहर की तरफ फेंकेगा तो कुछ लॉन्ग वेव्स को CO2 यहीं पे ही ट्रैप करके रख लेगा, ठीक है, ये गई, इसको यहीं पे ही ट्रैप करके रख लिया। लेकिन कुछ हीट वेव्स आपकी बाहर स्पेस में चली जाएंगी, जो आपकी इंफ्रारेड रेज बाहर चली गई, स्पेस में चली गई, ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं, सिर्फ जो यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाती हैं लॉन्ग वेव्स, यही अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। फिर से याद कर लीजिए, सन की शॉर्ट वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर को हीटअप नहीं करती, हमारे एटमॉस्फेयर को हीटअप करती हैं लॉन्ग वेव्स, यानी या कि
लॉन्ग वेव्स जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस। CO2 इनको कभी भी रोकती नहीं है, इनको पास होने देती है। और ये जो लॉन्ग वेव्स है, लॉन्ग वेव्स को CO2 ट्रैप करके रख लेती है। जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा लॉन्ग वेव्स को वो ट्रैप करेगी, जितनी ज़्यादा CO2 उतना लॉन्ग वेव्स को ट्रैप करेगी। अब एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, आप ज़रा सोचिए कि अर्थ के ऊपर CO2 बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ के ऊपर जीरो CO2 है, तो यहाँ से या फिर ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल नहीं आया। सन की रेज आई, अर्थ का सरफेस थोड़ा सा हीट अप हुआ, हीट अप होकर इसने रेज को ऐसे किया। एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रेज जो है बाहर स्पेस में चली जाएगी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी गर्मी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन CO2 की जब नॉर्मल अमाउंट पे प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो थोड़ी बहुत रेज को यहीं पे ट्रैप कर लेता है, और इन रेज की ट्रैप होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एम्बियंट रहता है। हमारे अर्थ पे ऐसा टेम्परेचर पाया जाता है जिससे पानी लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलता है, हमें लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एम्बियंट, ठीक है, सो दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, वरना लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ रैम्पेंट CO2 एमिशन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सन की रेज आ रही हैं और लगभग सारी की सारी रेज यहीं पे ही ट्रैप हो रही हैं, सन की रेज आ रही हैं, अर्थ गर्म हो रहा है, अर्थ की जो रेज हैं वो ट्रैप होती जा रही हैं। अर्थ की रेज अगर इतनी सारी ट्रैप हो जाएंगी तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो जाता है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, हमारे अर्थ पे एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ एरिया में फ्लड आ जाएगा, इतना पानी है कि फ्लड ही फ्लड, दूसरे एरिया में ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज वुड इंक्रीज, यानी कि एक तो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हो रहे हैं और ये बहुत रेगुलरली होते जाएंगे, जल्दी होते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है साल में तीन चार बारी हमें फ्लड या ड्रॉट देखने को मिल रहा है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से होती है, और भी होती हैं, सी लेवल राइज होता है तो बहुत सारे एरिया सबमर्ज कर जाते हैं पानी के अंदर, पर वो हम एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट आई होप समझ में आ गया होगा, एक बारी मैं फिर से छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा दोबारा से नहीं बताऊँगा, मोटे मोटे पॉइंट। सन से जो रेज आ रही हैं वो शॉर्ट वेव रेज होती हैं, CO2 शॉर्ट वेव रेज को पास करने देता है, इनको ये ट्रैप नहीं करता, ठीक है। ये रेज अर्थ के सरफेस पे आती हैं और अर्थ के सरफेस को हीट करना चालू कर देती हैं। अर्थ का सरफेस जब हीट होता है तो ये खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है और ये एटमॉस्फेयर में हीट को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। इन लॉन्ग वेव्स को CO2 ट्रैप कर लेता है। जितना ज़्यादा CO2 होगा हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा लॉन्ग वेव्स को वो ट्रैप करता जाएगा, उतनी ज़्यादा हीट को वो ट्रैप करता जाएगा। अगर CO2 नॉर्मल लेवल पे है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हीट एक एम्बियंट लेवल पे रहेगी जिससे लाइफ पॉसिबल होती है। अगर CO2 बिल्कुल भी नहीं है, निल CO2 एटमॉस्फेयर में, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और अगर CO2 बहुत हाई हो जाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा हाई हो गई, तो उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाता है और हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0.08 डिग्री सेल्सियस पर 10 ईयर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाया जाता है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या याद रखेंगे आप, आपके पिछले महीने लास्ट मंथ आपको अर्थ का अब तक का हॉटेस्ट डे देखने को मिला है, विच वॉज 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो आप कहते होगे कि अरे दिल्ली में तो 40 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, पर वो दिल्ली में पहुंचता है, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में बहुत सारा ऐसा हिस्सा है विच इज़ स्नो कवर्ड, जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव के अंदर चल रहा है, बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है,
ठीक है, सिर्फ आपका टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, उसमें भी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा, यानी कि इक्वेटर के तरफ, इक्वेटर के पास वाले रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स। तो इसीलिए हॉटेस्ट जो टेम्परेचर अर्थ का हमें देखने को मिलता है वो 17 डिग्री सेल्सियस का है। एक और जो आप फैक्ट याद रख सकते हैं, इस ग्राफ को देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अर्थ का जितना भी टेम्परेचर था, आज की डेट में अर्थ का टेम्परेचर उससे 1.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो भी टेम्परेचर था उसका 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और अगर ये टेम्परेचर 1.1 से इंक्रीज होकर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, एक ऐसा डैमेज हो जाएगा विच माइट नॉट बी रिवर्सिबल। तो हम चाहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का राइज ना आए। हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक दिया जाए। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज ना होने दिया जाए। ठीक है, और 2 डिग्री सेल्सियस तो किसी भी हालत में हम नहीं होने देना चाहते, ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत ये आती है कि अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने बेंचमार्क क्यों माना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ CO2 बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगी। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगी। एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है मैन। तो इंसानों की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन थी वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज्ड और इन मशीन्स को रन करने के लिए वी स्टार्टेड यूजिंग फ्यूल। किस तरह का, कोल का इस्तेमाल हो रहा था, कोल का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा था। कोल, क्रूड ऑयल से जो भी फ्यूल बर्न किया जाता है उससे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो चीज़ रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मशीन यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आती जाएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये सारा का सारा काम नहीं हुआ था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक तरफ तो आपको ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन देखने को मिल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम इन वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे ये वेस्टर्न दुनिया है वहाँ पे आया था, जैसे कि US, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे आया था UK, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इन जगहों पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत तेज़ी से डेवलप किया, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट थी, दिस डेवलपमेंट was accompanied by large scale release of greenhouse gases। जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पर किसी को ये पता ही नहीं था कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो दुनिया थी, ये जो देश थे, ये देश बिना किसी सोच के सिर्फ मशीन्स बनाए जा रहे थे, ढेर सारी इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो तेज़ी से इम्प्रूव हो गए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर आज की डेट में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड द कॉस्ट ऑफ दीज एमिशंस इज बींग पेड बाय द वर्ल्ड टूडे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ढेर सारा पॉल्यूशन हुआ जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो डर्टी फ्यूल यूज़ कर रहे थे। डर्टी फ्यूल क्या हो गया आपका, डर्टी फ्यूल आपका कोल, क्रूड ऑयल जैसा हो गया। एक टर्म आप आगे एनवायरनमेंट में देखेंगे, डर्टी डजन इट इज़ रिलेटेड विद POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये एक अलग चीज़ होती है डर्टी डजन, इसको आप याद रखेंगे। डर्टी डजन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और डर्टी फ्यूल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं, ढेर सारा पॉल्यूशन करते हैं, बेसिकली आपके फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आपके फॉसिल फ्यूल्स। तो
जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ लार्ज स्केल ग्रीन हाउस गैसेस, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर लिया और वो आज की डेट में डेवलप्ड कहलाए जाते हैं। लेकिन दुनिया के बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कि आज भी डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया और चाइना, बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं या फिर पुअर कंट्रीज़ हैं, इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना ही इनकी इकोनॉमी अभी उतनी स्ट्रांग हुई है जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड की है, और ना ही इनके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव हुई है। दीज नेशंस आर नाउ ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ देयर पीपल, अपनी देश के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को वो अब इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए अब ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इस दुनिया में इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। अब अगर यहां पे इंडस्ट्री लगेंगी तो यह दुनिया भी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करना चालू करेगी। तो यह दुनिया क्या कहती है, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड्स एंड पुअर कंट्रीज, यह क्या कहती है, यह कहती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन्होंने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बिना किसी सोच समझ के ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया, लेकिन आज की डेट में जो देश है उनके ऊपर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अपने जनता की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करना है, डेवलप भी करना है, तो दूसरी तरफ उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज करना है। तो ये जो लोग हैं डेवलपिंग देश और पुअर देश, ये कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों को हम तब बैलेंस कर पाएंगे जब डेवलप्ड कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। और डेवलप्ड कंट्री ये क्यों प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि उनकी गलती की वजह से आज हमारी डेवलपमेंट के ऊपर ये रोक लगी हुई है। अगर उन्होंने इतनी ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ ना किया होता तो हम आज की डेट में, हमें इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेके ध्यान नहीं देना पड़ता। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जिस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके डेवलपमेंट की, अब उसी को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड करें टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज, और वो ये करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बेस आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750s में आपका ये स्टार्ट हो चुका है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर हमारे एरिया में कितना पॉल्यूशन हो रहा है इसके ऊपर। कब तक ध्यान नहीं दिया गया था, टिल 1960s एंड 1970s के अंदर लोगों का ध्यान पहुंचा कि अरे हमारे यहाँ पे पानी बड़ा गंदा आने लग गया, पानी पीते ही लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, कैंसर के इंस्टांसेस इंक्रीज होने चालू हो गए, ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। तो लोगों का ध्यान गया कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, एंड 1960s एंड 70s ऑनवर्ड हमारा ध्यान हमारे एनवायरनमेंट की तरफ जाने लगा। और पहला एफर्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, आपको जो मेजर एफर्ट देखने को मिलता है वो 1970s में देखने को मिलता है, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होल्ड की जाती है, UNCHE होल्ड की जाती है 1972 के अंदर। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करना चालू करते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट की बात करनी चालू होती है, वैसी ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी अथॉरिटी की जो कि ग्लोबल एजेंडा सेट करेगा, ग्लोबली एनवायरनमेंट को लेके क्या बातें होंगी, यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट की जो भी चीज़ें हैं उनको हैंडल करने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1972 की UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक अथॉरिटी है, प्रोग्राम नाम है भले इसका, लेकिन ये एक अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल एजेंडा सेट करती है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में बनाया गया, UNCHE के बाद UNEP बनती है नैरोबी में। ये तीन प्रोटोकॉल चलाती है। देखो अभी आप एक दो वर्ड बहुत सुनेंगे, एक है कन्वेंशन और दूसरा है प्रोटोकॉल। कन्वेंशन का मतलब होता है कि आपकी कोई मीटिंग हो रही है जिस मीटिंग के अंदर हम कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं, इन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लेके आए जाते हैं। ठीक है, कन्वेंशन मीटिंग है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे रियलाइज किया जाए उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल लाए जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन जब भी बात होगी तो आप मीटिंग याद रखेंगे। तो UNEP तीन चीज़ें रन करता है, एक है बॉर्न कन्वेंशन, आगे देखते चलेंगे ये क्या है, फिलहाल बस इनका नाम सुनिए और याद रखने की कोशिश करिए। UNEP नैरोबी के अंदर हेडक्वार्टर है जो कि बॉर्न कन्वेंशन को रन करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रन करता है और मिनामाटा कन्वेंशन को रन करता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों UNEP के द्वारा रन किए जाते हैं। UNEP वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर UNEP और WMO ने मिलकर IPCC बनाई। IPCC की फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का क्या काम होता है? आईपीसीसी का काम होता है कि दुनिया में ढेर सारी बॉडीज हैं जो कि रिसर्च कर रही हैं, ढेर सारी अलग अलग बॉडीज़ हैं जो कि रिसर्च करके अपना फाइंडिंग्स निकाल के लाती हैं। आईपीसीसी उन रिसर्च को पढ़ता है और पढ़ने के बाद ये अपनी एक रिपोर्ट देता है कि आज की डेट में जब भी वो रिपोर्ट देगा उस टाइम पर हमारी अर्थ के सामने क्या क्या चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज को कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज कितनी तेज़ी से हो रहा है, इस तरह की वो रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है। क्वेश्चन, क्या आईपीसीसी रिसर्च करता है? नहीं, आईपीसीसी रिसर्च नहीं करता, वो दूसरों की रिसर्च को पढ़ के अपनी रिपोर्ट्स तैयार करता है। ठीक है, ढेर सारी रिसर्च हो रही है, आप कौन सी रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो आईपीसीसी बताएगा पूरी दुनिया को। ठीक है, फिर से सिचुएशन देख लीजिए क्या है। 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है, जिसके बाद एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर होता है। UNEP आपके बॉर्न कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मिनामाटा कन्वेंशन को रन कर रहा है। UNEP WMO के साथ मिलकर IPCC बनाता है और IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये रिपोर्ट तैयार करता है तीन तरह की। असेसमेंट रिपोर्ट, ये छः असेसमेंट रिपोर्ट अब तक रिलीज कर चुका है, स्पेशल रिपोर्ट एंड मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट। UNEP FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP FAO और UNDP के साथ मिलके रेड और रेड प्लस प्रोग्राम चलाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए यहीं पे याद रख लो। UNEP अकेला क्या चला रहा है? बॉर्न कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाटा कन्वेंशन। UNEP WMO के साथ मिला के IPCC बना चुका है जो कि रिपोर्ट्स रिलीज करती है। UNEP फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के साथ मिलके रेड और रेड प्लस प्रोग्राम रन करता है जो कि डीफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने की बात करता है या फिर एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने की बात करता है, रेड और रेड प्लस प्रोग्राम। ठीक है, 1972 के अंदर ये हुआ। 1972 में अगर आप बीस ऐड कर दो तो 1992 के अंदर आपकी एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसको यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया, तो आप नाम लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन अर्थ सॉरी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। इसी को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, वो सारे नाम भी मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को हम, ये रियो डी जेनेरो के अंदर हुई थी जो कि ब्राज़ील के अंदर पड़ता है, रियो डी जेनेरो, तो इसीलिए इसको रियो समिट भी कहा जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है और इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट। ठीक है, तो 1992 के अंदर आपकी अर्थ समिट होती है ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो के अंदर। अब ये जो 20 सालों के 1992 के अंदर अर्थ समिट हो रही है, इस अर्थ समिट के अंदर तीन कन्वेंशंस बनाई जाती हैं, तीन कन्वेंशन बेसिकली तीन ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनकी रेगुलर मीटिंग होगी और ये तीन अलग अलग कन्वेंशंस अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगी। एक कन्वेंशन बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो नाम से आप समझ गए ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेगा। एक कन्वेंशन बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये बायोडाइवर्सिटी के इशूज़ को देखेगा। तीसरी होती है आपकी, तीसरे को आप एजेंडा 21 से याद रखेंगे। एजेंडा 21 बेसिकली डील्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को किस तरह से सस्टेनेबल बनाया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक निकल के आती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा ना हो, जो रेगिस्तान है वो ज़्यादा ना फैले। रेगिस्तान के साथ क्या होता है, मान लीजिए ये एक एरिया है जहाँ पे इस तरफ डेजर्ट है और इस तरफ डेजर्ट नहीं है, तो ये डेजर्ट की मिट्टी धीरे धीरे उड़ के इस एरिया में आती जाएगी और ये डेजर्ट जो है धीरे धीरे एक्सपेंड करता जाता है, तो हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, डेजर्ट को एक्सपेंड होने से रोकना है। ठीक है, उसके भी आप काम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन वॉल्स बनाई जाती हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं, ग्रीन वॉल्स पेड़ लगा दिए जाते हैं यहाँ पे पूरे में, ताकि ये डेजर्ट वहीं पे रुका रहे। दूसरा, इस वाले एरिया में जो फॉरेस्ट है इसका डीफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, सॉइल की डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, लैंड की डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे वेजिटेशन और ये उगती रहें, पेड़ पौधे उगते रहें। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आपकी तीसरी कन्वेंशन बनती है। और चौथी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
ईयर 2000 के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आते हैं अंडर एजेंडा 21, और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इसके अंदर दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए काम होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके 2015 में ख़त्म हो जाते हैं और 2016 से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब दुनिया के सामने कुछ गोल्स रखे हैं, जिन गोल्स को अगर हम अटेन करेंगे तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी। ये गोल्स हमें अटेन करने हैं बाय 2030, तो 2000 से 2015 तक, 2016 से 2030 तक। ठीक है, तो ये तीन कन्वेंशन आपकी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट से आती हैं, जिसको अर्थ समिट, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसके अंदर तीन कन्वेंशन बन गई। अभी जो हमारा एजेंडा है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आज की डेट में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देखने का। देखो, जब UNFCCC आती है तो 1997 के अंदर एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था ना, कन्वेंशन तो सिर्फ एक मीटिंग है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटोकॉल आएंगे, तो क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करने के बारे में बात की जाती है, और इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स भी दिए जाते हैं, जिसको अभी हम दो मिनट में ही देखने वाले हैं। पर यहाँ पे याद करने के लिए ये डायग्राम आपको बहुत मदद करेगा, इसीलिए यहीं पे नाम देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग, आगे देखेंगे इनको हम। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्ट में आ पाता है, मतलब इस प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन चालू हो जाती है 1997 से, लेकिन ये इफेक्ट में आ पाता है 2008 से। 2008 से लेकर 2012 तक इसका फेज़ वन चलता है, 2013 से लेकर 2020 तक इसका फेज़ टू चलता है। ये फेज़ आपको याद रखने हैं। जब 2013 में फेज़ टू चालू हो रहा है, तभी दुनिया को ये पता चल जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग देशों के बीच में बहुत अनबन हो रही है, तो उन्हें यह पता चल जाता है कि अब हमें एक नए प्रोटोकॉल की, एक नए तरीके की ज़रूरत है जो कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सके। क्योटो प्रोटोकॉल वाला तरीका तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, जब सेकंड फेज चालू हो रहा था, ये रियलाइजेशन तभी हो जाती है। तो इसीलिए 2015 से ही डिस्कशन चालू हो जाती है कि 2020 के बाद हम क्या करेंगे। देखो, 2008 से लेकर 2020 तक तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल चलना ही है ना, लेकिन 2020 के बाद क्या होगा उसकी डिस्कशन 2015 में ही चालू हो जाती है, और इसी को पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। पेरिस एग्रीमेंट आज की डेट में हम कोशिश कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट के जो वो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कुछ एफर्ट्स किए जाएं क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के। तो अभी जो भी काम क्लाइमेट चेंज के अंदर हो रहा है वो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा आपको क्या याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD तीन चीज़ों के ऊपर काम करता है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ करो, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो भी बेनिफिट होता है वो बेनिफिट इक्विटेबली शेयर होना चाहिए, यानी कि देश की, दुनिया की हर एक जनता, हर एक रीजन को बायोडाइवर्सिटी से होने वाले बेनिफिट का शेयर मिलना चाहिए। UNCBD के अंदर दो प्रोटोकॉल काम करें, एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनको रेगुलेट करता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये एक देश से दूसरे देश में किस तरह से जाएंगे इस चीज़ को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। दूसरा आपका नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी की बात करता है, और इसके अंदर कुछ टारगेट्स हमने अपने सामने रखे हैं जिन्हें आईची टारगेट्स कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपको कि आईची टारगेट्स किस से डील करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से या फिर बायो सेफ्टी से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस के अंडर आता है, तो वो एजेंडा 21 के अंडर आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, और एक दो फैक्ट और देख लेते हैं यहाँ पे ही। अभी हमें आज हम डिटेल में देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। UNFCCC की मीटिंग हर साल होती है, एवरी ईयर हर साल इसकी मीटिंग होती है। UNCBD की हर दो साल में एक बार होती है, और आपके UNCCD की भी हर दो साल में एक बार होती है। ठीक है, UNFCCC में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से ये प्रोटोकॉल आ चुका है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना चालू होता है 2008 से, 2008 से 2012 तक फेज़ वन, और 2013 से 2020 तक फेज़ टू। उसके बाद 2020 के बाद हम पेरिस एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट की बात 2015 से ही चालू हो गई थी। ठीक है, चलिए, और CBD के अंदर हम ये चीज़ें देख चुके हैं, दो प्रोटोकॉल देख चुके हैं इसके। चलिए, अब UNFCCC के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इस क्योटो प्रोटोकॉल को देखते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले क्योटो प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव था डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए। डेवलप्ड वर्ल्ड के सामने कुछ टारगेट रखे गए थे, और वो टारगेट ये था कि डेवलप्ड वर्ल्ड 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कर रहा था उसमें 5.2% का रिडक्शन लेके आना है, 5.2% का रिडक्शन लेके आना है बाय 2012 तक ये टारगेट उनके ऊपर रखा गया था। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने दुनिया को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स को नाम दिए गए NX1, NX2, NXB, नॉन NX कंट्रीज एंड LDCs। तो जिन भी देशों के ऊपर टारगेट रखे गए थे, लिमिट्स लगाई गई थी, उन देशों को NXB ग्रुप के अंदर रखा गया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि NX1 के अंदर वो कंट्रीज थी जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स थे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। बाइंडिंग टारगेट सिर्फ और सिर्फ NXB के देशों के अंदर थी। हालांकि NX1 में जो ज़्यादातर देश थे वही देश आपको NXB में देखने को मिलते हैं, लेकिन टेक्निकली हम NXB के ऊपर लिमिट लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे UPSC आपको कंफ्यूज करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिमिट किसके ऊपर लगाई गई? NXB के अंदर जो देश थे उनके ऊपर बाइंडिंग लिमिट्स लगाई गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रिंसिपल फॉलो करता था जिसका नाम था CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि पूरी दुनिया की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज, टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग, टू रिड्यूस CO2 या फिर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो पुअर देश हैं, पुअर देशों ने तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। डेवलपमेंट नहीं हुई तो उन्होंने फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं किए। डेवलपिंग देशों ने भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं किया। ज़्यादा किसने एमिट किया है? आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ ने या फिर वेस्टर्न या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, तो उनके ऊपर बाइंडिंग लिमिट्स लगाई गई, बाइंडिंग लिमिट्स, ठीक है। और जो आपके डेवलपिंग देश थे, जो पुअर देश थे, उनके ऊपर ये बाइंडिंग लिमिट्स नहीं थी। तो इस तरीके को, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया जिसको हम आम भाषा में CBDR कह देते हैं, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे लिखते हैं इसको? हिस्टोरिकली बिगेस्ट पॉल्यूटर्स शुड डू मोर कंपेयर टू रीसेंट पॉल्यूटर्स। आज की डेट में जो पॉल्यूट कर रहे हैं उनके मुकाबले हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स को ज़्यादा काम करना चाहिए। पूरी दुनिया को चार लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, NX1, NX2, NXB, नॉन NX कंट्रीज़, और आपके बाकी जो बचे वो LDCs कह दिए गए। NX1 के अंदर आते थे आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इकोनमीज इन ट्रांजिशन, ऐसे देश जो कि डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। NX2 के अंदर उन कंट्रीज़ को रखा गया जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, NX2 के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आपके डेवलप्ड देश थे वो डेवलप क्यों हुए? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर टारगेट दिया गया कि आप इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक और फाइनेंस प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ये वो देश हैं जो कि आज की डेट में डेवलप हो रहे हैं। इनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उनके देश के जो लोग हैं उन देशों की लाइफ को सुधारने की जिम्मेदारी है, और दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनानी है। तो यानी कि इन देशों को अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से डेवलप होना है तो इन्हें टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो कौन देगा? वो डेवलप्ड कंट्रीज़ देने वाली हैं। ये NX2 के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई, ठीक है। NX1 के अंदर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन थे। NX1 में डेवलप्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, NX2 में डेवलप्ड कंट्रीज जो कि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। NXB के अंदर वो देश थे जिनके ऊपर टारगेट रखे गए थे कि वो अपने एमिशन को, जो वो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कर रहे हैं, इस एमिशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये देश NX1 वाले ही देश थे, ठीक है। नॉन NX कंट्रीज वो थी जिनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं था। इंडिया, चाइना, इनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया गया, और LDCs के ऊपर भी कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अलग अलग देशों को अलग अलग ग्रुपिंग के अंदर डिवाइड कर लिया गया था, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हो रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमने NXB देशों से कहा है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन
रिड्यूस करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी? क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस माना गया। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड SF6। ये 6 गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करना था बाय डेवलप्ड कंट्रीज, बाय NXB कंट्रीज। ठीक है, बाय NXB कंट्रीज। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज वर डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर टारगेट था कि आप टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे टू EITs एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर, इसकी अगर हम बात करें कि एमिशन को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए कुछ तरीके बताए गए कि डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को रिड्यूस कर सकता है। पहले हम देखते हैं एमिशन ट्रेडिंग, या चलिए यहीं से चालू करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट से चालू करते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या था? देखो, NXB कंट्री ऐसी है जिसके ऊपर ये टारगेट दिया हुआ है कि आपको ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को रिड्यूस करना है। मान लीजिए ये NXB कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, कोई प्रोजेक्ट लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट लगा दिया डेवलपिंग कंट्री के अंदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट लगाने की वजह से डेवलपिंग कंट्री से ग्रीन हाउस गैस की एमिशन में रिडक्शन आएगी, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई NXB कंट्री किसी डेवलपिंग देश के अंदर कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करता है जिससे डेवलपिंग कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन रिड्यूस होती है, तो NXB कंट्री को कुछ सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं जिसका नाम होता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, मान लीजिए इस प्रोजेक्ट से 100 यूनिट रिडक्शन आएगी, तो इस 100 यूनिट का सर्टिफिकेट किसको मिल गया? NXB कंट्री को मिल गया। ये माना जाएगा कि NXB कंट्री ने ये 100 यूनिट्स रिड्यूस किए हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता था? एक NXB कंट्री दूसरी NXB कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में रिडक्शन आ रहा है। क्लीन प्रोजेक्ट है कोई, तो यहां पे उसको क्या मिलेगी? जिसने प्रोजेक्ट लगाया है उसको मिलेंगे एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तीसरा होता था आपका एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता था? जो NXB कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट थे, NXB कंट्री को कुछ असाइंड अमाउंट यूनिट्स दे दी जाती थी। असाइंड अमाउंट यूनिट्स क्या है कि आप एक साल में इतनी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर सकते हो, ठीक है। ये बोल दिया कि आप इतने यूनिट्स ग्रीन हाउस गैसेस को एक साल में एमिट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई एक देश है, कंट्री ए, और ये NXB देश है, इसको बोल दिया गया कि आप एक साल के अंदर 120 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकते हो, तो इसकी AAU क्या हो गई? 120। मान लीजिए इस देश ने केवल 100 यूनिट को एमिट किया, 100 AAUs इसने यूटिलाइज कर लिया। दूसरा देश है बी, ये भी NXB देश है, और इसको लिमिट दी गई थी कि आप एक साल के अंदर केवल 80 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर सकते हो, तो इसकी AAU क्या हो गई? 80 यूनिट हो गई। लेकिन इसने एक साल में 120 यूनिट रिलीज कर दी, 120 यूनिट रिलीज कर दी, यानी कि जितनी इसको टारगेट मिला था इसने उस टारगेट से भी 20 यूनिट ज़्यादा कर लिया। तो देखिए, ए देश ने अपने टारगेट से 20 यूनिट कम किया है और बी देश ने अपने टारगेट से 20 यूनिट ज़्यादा किया है, तो इसके अंदर ए देश जिसके पास बी यूनिट्स अभी बची हुई हैं, ये अपनी इन 20 यूनिट्स को बेच सकता है, सेल कर सकता है टू कंट्री बी। तो कंट्री बी को क्या करना पड़ेगा? इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरह से जो ये वाला देश है, इस देश के पास इंसेंटिव है कि अगर ये क्लीन तरीके से डेवलपमेंट करेगा, अगर ये देश क्लीन तरीके से डेवलपमेंट करेगा, तो इसकी जितनी भी AAUs बचेंगी ये उन AAUs को बेच सकता है टू कंट्रीज जिन्होंने अपने असाइंड AAU से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। इसको कहा जाता है एमिशन ट्रेडिंग, इसको एमिशन ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली NXB देशों के ऊपर टारगेट है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को रिड्यूस करना है। अब आप उसको रिड्यूस करने के लिए दूसरे देशों में प्रोजेक्ट लगा सकते हो, दूसरे देशों के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो कि उस देश के अंदर एमिशन रिड्यूस हो जाए। अगर आप डेवलपिंग देशों के अंदर ऐसा काम कर रहे हो तो हम आपको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट दे देंगे, ये माना जाएगा कि आपने ये ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस की हैं, ठीक है। तो उनके टारगेट फुलफिल होने में ये मदद करेगा। दूसरा, आप दूसरे देश में प्रोजेक्ट लगा सकते हो और दूसरा देश भी NXB देश है। देखो, दोनों में NXB देश प्रोजेक्ट लगा रहा है, लेकिन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है NXB कंट्री के अंदर। यहाँ पे एमिशन रिडक्शन यूनिट्स मिलेंगी। और एमिशन ट्रेडिंग के अंदर तो मैं आपको बता ही दिया कि असाइंड
अमाउंट यूनिट्स मिलती हैं। अगर आपने इस असाइंड अमाउंट यूनिट से कम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया है तो आप इन यूनिट्स को बेच सकते हो और बेच के आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कर लिया तो फिर आपको किसी ना किसी से ख़रीदना पड़ेगा। ये थी आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तीन फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कि हमने टारगेट दिए हुए हैं और आप इन टारगेट्स को इन फ्लेक्सिबल तरीकों से भी अचीव कर सकते हो। देखो पहला तरीका तो यही है ना कि आप NXB देश को एमिशन रिड्यूस कर दिया, तो पहला तो तरीका यही है कि ये डर्टी फ्यूल्स यूज़ करना बंद कर दे, ये कोल का कम इस्तेमाल करे, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करे, एफॉरेस्टेशन करे। एक तरीका तो यही है। अगर इस तरीके से तुम अपना जो भी तुम्हारे सामने टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे तो तुम डेवलपिंग देशों के अंदर प्रोजेक्ट लगाओ, वहाँ से सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट ले लो, NXB देशों में प्रोजेक्ट लाओ वहाँ से ये ले लो, या फिर एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जा सकता था। मान लीजिए देश ए जो कि NXA देश है, इसके पास कुछ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है, और कोई दूसरा देश है बी और इसके पास ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, तो ये कुछ पैसे दे के ए देश से ये CER को ख़रीद भी सकता है। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन यूनिट्स और आपके असाइंड अमाउंट यूनिट्स जितनी भी ये चीज़ें थी, इन सब की ट्रेडिंग पॉसिबल थी, इन सब की ट्रेडिंग पॉसिबल थी, ठीक है। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इन तीनों की ट्रेडिंग होती है और एक चौथी चीज़ की भी ट्रेडिंग हो जाती है जिसको रिमूवल यूनिट्स कहा जाता है। रिमूवल यूनिट्स क्या है, बस नाम याद रख लो कि लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री की वजह से आप जितना भी लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री इनकी वजह से आप जितना भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर एमिशन के अंदर रिडक्शन करते हैं उसके लिए आपको रिमूवल यूनिट्स मिलती हैं। जैसे कि आपने लैंड पे आपने पहले इंडस्ट्री लगा रखी थी या फिर आपने थर्मल पावर प्लांट लगा रखा था जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, आपने इस थर्मल पावर प्लांट की जगह यहाँ सोलर पावर प्लांट लगा दिया जिससे ग्रीन हाउस गैसेज कम रिलीज होती हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने लैंड के इस्तेमाल को चेंज कर दिया और चेंज करके आपने ग्रीन हाउस गैसेज को रिमूव कर दिया एटमॉस्फेयर से, आपने लैंड पे से इंडस्ट्री हटा के फॉरेस्ट लगा दिया जिससे ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेयर से रिड्यूस होनी कम हो गई, तो इससे आपको रिमूवल यूनिट मिलेगी, आप उनको भी बेच के पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इस तरह के आपके ट्रेडिंग मैकेनिज्म थे, इन्हीं को हम कार्बन ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। कार्बन ट्रेडिंग कि जो देश एमिशन को रिड्यूस करने में अच्छा काम करेगा उसको या तो CER मिल रहा है या फिर एमिशन रिडक्शन यूनिट्स मिल रही हैं या फिर ए यूज़ उसके पास बच रहे हैं या फिर रिमूवल यूनिट्स मिल रही हैं। जिस देश ने अच्छा काम करके इन चारों चीज़ों में से कुछ भी कमाया है वो उन चीज़ों को बेच सकता है, सेल कर सकता है। किसको सेल करेगा, उन देशों को जिन्होंने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की वजह से एक इंसेंटिव था कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को अपनाना चालू कर लो, ये एक इंसेंटिव चल रहा था। अभी जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्लास के टाइम पे मैं कम बताऊँगा, इसीलिए इसको अच्छे से यहीं पे कवर कर लीजिए। हमारा कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह से पढ़ाई करें कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, एक ही जगह पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हुए चलते रहें, ठीक है। चलिए अब मान लो NXB देशों के सामने हमने टारगेट दिया हुआ है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करना है। What if one NXB country is not able to fulfill its target? तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितना होगा, जितना भी तुमने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है वो प्लस में 30% एक्स्ट्रा आपको पैसा देना होगा, ठीक है। जिसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया उसके पास ऑप्शन क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि वो दूसरी NXB कंट्री देखे जिस NXB कंट्री के पास या तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स हो या फिर एमिशन रिडक्शन यूनिट्स हो या फिर असाइंड अमाउंट यूनिट्स हो या फिर रिमूवल यूनिट्स हो। जिसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया वो इनमें से कुछ भी खरीद सकता है, पर मान लो सिचुएशन ऐसी है कि ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर अपना जो उसने टारगेट अचीव नहीं किया वो डिफरेंस पे करे प्लस में 30% की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी दे, ठीक है। तो ये पेनल्टी भी आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये चल रहा था, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये जो हमने सारा का सारा काम किया था ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और उसका रिज़ल्ट क्या है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, उसका रिज़ल्ट मैं आपको वैसे ही ओरली बता देता हूँ, आप उसको साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा। देखो क्योटो प्रोटोकॉल के हमने 1997 से ही वो एक तरह से चालू हो चुका है और हमें 2020 तक काम करना था।
2020 तक काम करना था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल का फेज वन, ये जब हम एनवायरनमेंट करेंगे तब आप देखेंगे, इट वाज रिलेटिवली ओके, नॉट अ सक्सेस बट फिर भी इसने डिसेंटली काम किया। फेज टू वाज अ फेलियर, फेज टू वाज अ फेलियर। फेज टू फेल क्यों होता है? 2013 से लेके 2020 का जो टाइम पीरियड है ये फेल क्यों होता है? क्योंकि अभी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बाइंडिंग टारगेट्स किसके ऊपर है? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग टारगेट दिए हुए हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड चाइना, इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट नहीं है, ये नॉन एनएक्सबी कंट्रीज हैं, नॉन एनएक्सबी कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा, आपने मेरे ऊपर बाइंडिंग टारगेट लगा दिए, आपने मेरे ऊपर बाइंडिंग टारगेट लगा दिए, इंडिया और चाइना ये आज की डेट में बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलपिंग देश हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं, इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स क्यों नहीं लगा रहे? तो इस पे इन्होंने कहा कि टारगेट तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि हिस्टोरिकली तुमने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट किया था और उस एमिशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आप बहुत तेज़ी से डेवलप हो चुके हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तुम्हारे यहाँ पे पावर्टी कम है एज़ कम्पेयर टू आर नेशंस, तुम्हारे यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो तुम उस जगह पे ऑलरेडी पहुँच चुके हो जहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब जो डेवलपमेंट होगी वो हमारे देशों में ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे देशों में स्कोप ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, तो हम तो डेवलप करेंगे ही करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर लिमिट लगाओगे तो हमारे डेवलप करने की ताकत कम हो जाएगी और हमारे देश में से हम पावर्टी को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम डेवलपिंग देश हैं, तुम्हारे ऊपर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने की। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या कहना चालू किया? उन्होंने कहा कि हमें क्योटो प्रोटोकॉल पसंद नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटे, उन्होंने कहा कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, जो डेवलपिंग देश हैं लाइक इंडिया एंड चाइना, दे टू शुड हैव बाइंडिंग टारगेट्स, उनके ऊपर भी बाइंडिंग टारगेट्स होने चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही थी हमारे ऊपर लगाओगे तो हम गरीबी कैसे हटाएंगे, और डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रही थी हम तो लगा के रहेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल फेज टू वॉज अ फेलियर, मैनी नेशंस विड्रू फ्रॉम फेज टू ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इसीलिए अब यह पता चल चुका था कि 2013 से लेकर 2020 तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल चले गई। 2020 के बाद हमें कुछ करना है तो उसकी डिस्कशन 2015 में स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना चालू होगा इन द पोस्ट 2020 वर्ल्ड। 2020 के बाद पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना चालू होगा। तो अब पेरिस एग्रीमेंट देखते हैं कि आखिर पेरिस एग्रीमेंट क्या है। जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसी की मीटिंग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो UNFCCC की 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर हमने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। पेरिस एग्रीमेंट का काम वही था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो हम टारगेट लेके चल रहे थे उसको और आगे लेके जाना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट था 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को 5.2% रिड्यूस करना ऑफ 1990 लेवल, 1990 के लेवल का 5.2% रिडक्शन 2012 तक हमें अचीव करना था क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस एग्रीमेंट का क्या टारगेट है? पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट ये है कि हमें साल 2100 तक ये इंश्योर करना है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का राइज नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2100, और कोशिश की जानी चाहिए कि ये जो 2 डिग्री सेल्सियस है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक दिया जाए। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1750 का टाइम पीरियड माना जाता है, इस टाइम पीरियड पर हमारी अर्थ का टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, तो हमने टारगेट रखा कि 2100 तक x प्लस 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, और कोशिश तो ये करो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज ना हो। लेकिन आज की डेट में 2023 में हम बैठे हैं, 2023 में हम ऑलरेडी x प्लस 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुके हैं, x प्लस 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ये टारगेट अचीव करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कोशिश करो कि कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज ना हो, ठीक है। और ये जो टारगेट, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का राइज ना हो, और कोशिश करो कि 1.5 से भी ज़्यादा का ना हो, ये टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सेट किया गया था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस्ड क्योटो प्रोटोकॉल, और इसका एम क्या है? इसका एम है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस
टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कितना करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1750 में जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का राइज नहीं होना चाहिए, और कोशिश करो कि ये लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाए, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाए, ठीक है, बाय 2100। और आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि हम ऑलरेडी टी प्लस 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी टारगेट थे कि एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना को होने से रोकना है, वल्नरेबल कंट्रीज़ को जो फाइनेंशियल लॉस होता है, वल्नरेबल कंट्रीज जैसे कि आइलैंड नेशंस, अगर दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसमें सबसे पहली मार लगेगी आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर राइज होता है तो सी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर राइज का मतलब है कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, आपका जो फ्रोज़न लैंड मास है, फ्रोज़न लैंड मास मेल्ट होना चालू हो जाएगा, ये मेल्ट होके हमारे ओशंस के अंदर जाएगा, ओशंस का जो सी लेवल है वो सी लेवल राइज करना चालू होगा, जिसकी वजह से आइलैंड डूब जाएंगे, वल्नरेबल कंट्रीज़। जो जैसे इंडिया का बहुत सारा एरिया है जो कि कोस्ट पे आता है, इंडिया का पूरा एरिया कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है, यानी कि अगर यहाँ पे सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पे जितने भी राज्य पड़ते हैं वो राज्यों का कुछ कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबने के चांसेस हैं। तो यानी कि भारत भी एक वल्नरेबल कंट्री है, तो वल्नरेबल कंट्री को क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज को भी एड्रेस करना है। एक और लॉस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे एनवायरनमेंट में वो अलग से भी हम पढ़ेंगे। एक और लॉस होता है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का लॉस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का लॉस। और ये लॉस क्यों हो रहा है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, वेन एवर देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर इट वुड लीड टू चेंज इन वेदर पैटर्न्स, वेदर फिनोमिना के अंदर, वेदर पैटर्न के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ड्रॉट आने लग जाएंगे, फ्लड्स आने लग जाएंगे, ठीक है, कहीं पे ओले गिर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आएगी, और इसकी वजह से हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दूसरा, आज की डेट में कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे एक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है प्लस में वाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्रॉप, कोई एक क्रॉप है, क्रॉप जेड मान लेते हैं। देखो, x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है इस एरिया का, y मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होती है, और z क्रॉप यहाँ पे उगती है। अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से टेम्परेचर हो गया a डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बदल चुका है, रेनफॉल या फिर जो बारिश होती है, बारिश के पैटर्न में भी हमें चेंज देखने को मिलता है, और अब BMM रेनफॉल हो रही है। जब यहाँ पे टेम्परेचर और पानी का पैटर्न चेंज हो गया तो यहाँ पे आप क्रॉप जेड उगा पाओगे? आप क्रॉप जेड उगा ही नहीं पाओगे। अब आपको ये रिसर्च करनी होगी कि इस एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाए, ठीक है। तो हमें जो एक नया चैलेंज हमारे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है वो है क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स को बनाना, ताकि जो वेदर हमारा चेंज हो रहा है उस चेंज वेदर के अंदर भी हम कोई ना कोई क्रॉप उगा सकें, ठीक है, कोई ना कोई क्रॉप उगा सकें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, पहली हमें कोशिश क्या करनी है कि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, कम से कम क्लाइमेट चेंज हो, कम से कम। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट चेंज होगा, तो हमें क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, इस इफ़ेक्ट से जो डैमेज होता है, इस डैमेज को रिड्यूस किया जाए। देखो, पहले तो क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करो कि कम से कम क्लाइमेट चेंज हो, बहुत ही धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट चेंज होगा। जो क्लाइमेट चेंज होगा उससे जो डैमेज हो रहा है उसको रिड्यूस करो, जिसको मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पेरिस एग्रीमेंट आप समझ चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था, मान लेते हैं टी, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में इंक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2100, और कोशिश करो कि ये इंक्रीज टी प्लस 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक जाए, ठीक है। ये हमारा एम है पेरिस एग्रीमेंट से। इस एम को अचीव करने के लिए क्या बोला गया, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में इस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ टारगेट्स डिसाइड किए गए और इन टारगेट्स को इम्पोज कर दिया गया ऑन एनएक्स बी कंट्रीज।
एनएक्सबी कंट्री के ऊपर ये टारगेट्स इम्पोज कर दिए गए। इस अप्रोच को कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच, कि ऊपर कुछ टारगेट डिसाइड हुआ और नीचे उन टारगेट्स को इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट में हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, हम देशों से बोलेंगे, कंट्रीज से बोलेंगे कि तुम खुद ही बता दो कि तुम क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए। तो देशों से बोला गया कि आप नेशनली डिटरमाइन करो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो आप टर्म देखेंगे बहुत बारी, एनडीसी की फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल में तो प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा है क्या टारगेट होंगे और वो देशों के ऊपर थोप दिए। पेरिस एग्रीमेंट में कहा कि देश खुद डिसाइड करेंगे कि वो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे क्लाइमेट चेंज की स्लो डाउन में, और इनको एनडीसीज कहा जाएगा। INDC का मतलब क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आप क्या इंटेंड कर रहे हो कि आप एज अ कंट्री क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करोगे क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात की जाए कि ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, तो एक चीज़ याद करिए, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के दो फेज बोले, एक आपका 2012 तक चलता है और दूसरा आपका 2013 से 2020 तक चलेगा, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट आपका इंप्लीमेंट होने वाला है 2020 के बाद, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट आ चुका है 2015 में, तो 2015 में ही देशों से बोल दिया था कि आप 2020 के बाद क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दोगे, उनकी जो इंटेंशन है वो हमें आप बतानी चालू कर दो। तो 2020 से पहले देशों ने अपने INDCs डिक्लेयर किए थे, इन्हीं को अब हम NDCs के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले वो इंटेंशन थी और अब वो NDCs बन चुके हैं। अगली चीज़, मतलब कोई खास अंतर नहीं है, अगर आप ये मतलब ये कोई नहीं आपसे पूछने वाला, ठीक है ना। अब अगली चीज़, पेरिस एग्रीमेंट 2020 के बाद इंप्लीमेंट होना चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे देशों ने अपने NDCs डिक्लेयर कर दिए, तो क्या ये NDCs लीगली बाइंडिंग है, क्या ये NDCs लीगली बाइंडिंग है? नहीं, ये NDCs लीगली बाइंडिंग नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे ओवर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कोई टारगेट नहीं थे। पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि भैया आप वॉलंटियरली बता दो कि आप क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले हो क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट कुछ ऑब्लिगेशन लगाता है, ऑब्लिगेशन भी नहीं, बेसिकली कुछ उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है। पेरिस एग्रीमेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम कंट्रीज़। पहला कि वो अपने NDCs डिक्लेयर करेंगी, जो कि देश कर चुके हैं ज़्यादातर। दूसरा, इन NDCs को हर 5 सालों के अंदर अपडेट किया जाएगा, NDCs की अपडेशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। जो आपके जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने में, वो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना चाहिए विद टाइम पीरियड। NDCs डिक्लेयर करो, उनको अपडेट करो, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना चालू होगा 2020 में, उससे पहले ही देश अपने NDCs बता देंगे। इन NDCs को अचीव करने के लिए देश डोमेस्टिक लेवल पे, हर एक देश अपने डोमेस्टिक लेवल पे कुछ ना कुछ काम भी करेगा। इन कामों के असर का एक स्टॉक टेक लिया जाएगा 2023 में, जिसको कहा जाएगा ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक में ये देखेंगे कि जो भी NDCs डिक्लेयर किए गए हैं देशों के द्वारा, उनका क्या क्या असर, उनका क्या क्या इफेक्ट एनवायरमेंट के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में क्लाइमेट चेंज स्लो डाउन हुआ है या नहीं, या फिर हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। पहला GST ग्लोबल स्टॉक टेक 2023 में होगा, फिर उसके बाद पीरियोडिक GST आपका होता रहेगा 5-5 सालों के बाद, एवरी 5 ईयर आपका GST होगा, ठीक है। इसी को ग्लोबल स्टॉक टेक कहा जाता है। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ये एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जो कि ये देखेगा कि पेरिस एग्रीमेंट में जो देशों ने NDCs डिक्लेयर किए हैं उन NDCs का क्या क्या असर हो रहा है। पीरियोडिक रिव्यू है। ग्लोबल स्टॉक टेक पहली बार होगा 2023 में, और फिर उसके बाद फर्स्ट एवर स्टॉक टेक 2023 में होगा, उसके बाद हर 5 साल के बाद ये होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देशों से भी उम्मीद की जा रही है, दे आर एक्सपेक्टेड बट नॉट ऑब्लाइज टू इंक्रीज देयर एम्बिशंस एवरी 5 ईयर। यानी कि जो ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये उम्मीद की जाएगी, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो इनको अपडेट करते रहें हर 5 साल में, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। जो लेटेस्ट NDCs थे वो 2020 के अंदर सबमिट किए गए थे, और 2020 में सबमिट किए गए तो 5 साल में अपडेट करना है, यानी कि 2025 से पहले NDCs को अपडेट दोबारा से करना है। इंडिया ऑलरेडी अपने NDCs को अपडेट कर चुका है, अभी इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है।
अच्छा, अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक मैंने आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है G20 की मीटिंग हो रही थी। G20 की मीटिंग से पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इस रिपोर्ट की वजह से G20 के लीडर्स ने भी कुछ डिक्लेरेशन दी थी और उस डिक्लेरेशन के अंदर लीडर्स ने कहा था कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है, ढेर सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया है बिकॉज डेवलप्ड नेशंस हैव टू प्रोवाइड दीज फाइनेंसेस, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर हैं। इंडिया से कोई बोल दे कि तू अपनी डेवलपमेंट छोड़ के कहीं और पे जा और वहाँ पे पैसे फाइनेंस कर, वहाँ पे अपना पैसा लगा दे, इंडिया लगा पाएगा क्या? शायद थोड़ा बहुत लगा दे पर ज़्यादा नहीं लगा सकता। डेवलप्ड कंट्रीज़ ये काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जो है वो G20 लीडर्स डिक्लेरेशन के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें G20 लीडर्स ने ये डिक्लेयर किया कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना है, जिसके लिए बहुत फाइनेंसिस की ज़रूरत है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, दिस प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और क्या क्या बोला गया? ये बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी आने वाले फ्यूचर में, उन्हें 2030 से पहले लगभग $6 trillion की ज़रूरत है, $6 trillion की ज़रूरत है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। हर साल चार ट्रिलियन पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मेरे को, नेट ज़ीरो। तो पहले नेट ज़ीरो बताता हूँ, फिर इसके ऊपर दोबारा से आते हैं वापस, ठीक है। नेट ज़ीरो का क्या मतलब है? नेट ज़ीरो, कोई भी देश जब डेवलपमेंट करता है तो इस डेवलपमेंट के टाइम पर वो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। यही देश अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट से रिमूव कर दे बाय एफॉरेस्टेशन, बाय अदर मेथड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करने के मेथड होते हैं उनको कहा जाता है कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज। कार्बन को कैप्चर करके सिक्वेस्टर करके उनको स्टोर किया जा सकता है। कहां पे स्टोर कर देते हैं? कई बारी अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाता है, अंडर वाटर स्टोर कर दिया जाता है, पानी के अंदर घोला नहीं जाता, पानी के अंदर एक कंटेनर में उसको स्टोर करके रख दिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो पाए, ठीक है। ढेर सारे पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता रहे, ठीक है। तो कोई भी देश है, उस देश की डेवलपमेंट से कुछ ग्रीन हाउस गैसेज रिमूव हो रही होंगी और उस देश की इन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर से रिमूव भी हो रही हैं। यहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर एडिशन हो रहा है GHGs का और यहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर से सब्ट्रैक्शन हो रहा है GHGs का। अगर हम जितनी ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं वो बराबर हो जाए उन GHGs को जिनको हम एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल असर कितना हुआ? टोटल असर जीरो हो गया। इसी को कहा जाता है नेट ज़ीरो एमिशन, और 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन का हमारा टारगेट है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया ने कहा कि हम 2050 तक नहीं कर सकते, हम तो 2070 तक करेंगे। हर देश के लिए अलग अलग है, बट ग्लोबली जो टारगेट रखा गया वो ये कि 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन पे हमें पहुंचना है। नेट ज़ीरो एमिशन पे पहुंचने के लिए हमें क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव करना पड़ेगा और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को 2030 से पहले लगभग $6 trillion की ज़रूरत है, $6 trillion की, और सिर्फ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए तो इसके लिए लगभग $4 trillion पर ईयर चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इतने ज़्यादा फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इट नोटेड द नीड फॉर 5.8 to 5.9 trillion इन द प्री 2030 पीरियड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड $4 trillion पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। अगर हम ये दोनों काम कर पाएंगे, इतने फाइनेंसेस दे पाएंगे, तो हम 2050 तक नेट जीरो एमिशन पे पहुंच सकते हैं, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, ये वही लिखा हुआ है कि आपके 18th G20 समिट जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुई थी पिछले ही महीने, उस टाइम पर ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट रिलीज कर दी गई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यहाँ पे 17 की फाइंडिंग्स के बारे में बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो आप याद करेंगे, पहली रिकमेंडेशन क्या है, पहली रिकमेंडेशन ये है कि पेरिस एग्रीमेंट एक चीज़ में सक्सेसफुल हुआ। पेरिस एग्रीमेंट ने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, देशों को एक दूसरे के पास लेके आया और देशों को कंपेल किया टू सेट गोल्स। इसने एक सिग्नल दिया कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने की। गवर्नमेंट्स को उसने कहा कि तुम्हें अपनी इकोनॉमीज को ट्रांजिशन करना पड़ेगा टूवर्ड्स क्लीनर एनर्जीज, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरी रिकमेंडेशन, मतलब पहली फाइंडिंग क्या है, गैल्वनाइजिंग एफर्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। दूसरी जो इसका फीचर आपको रिपोर्ट में देखने को मिलता है कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात कही जा रही है। इस चीज़ को समझिए कि जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजिशन है उसमें इक्विटी की क्या नीड है। इकोनॉमिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं दीज इंडस्ट्रीज आर रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब ये जो इंडस्ट्री है जो फॉसिल फ्यूल पर रन कर रही है, अचानक से इनको बोल दिया जाए कि तुम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू सोलर पावर और क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी ख़राब नहीं हो जाएगी, अब उसको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो बहुत ही रिच देश हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, या फिर जो बहुत ही रिच इंडिविजुअल्स हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड इन ट्रांजिशनिंग टू अ क्लीनर फ्यूल। जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो तो क्लीनर फ्यूल को अडॉप्ट कर भी लेंगे, थोड़ा बहुत लॉस भी कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर तो इतने हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, बहुत ही छोटे छोटे लघु उद्योग जिनको कहा जाता है, बहुत छोटी इंडस्ट्री, इनके पास खुद ही पैसा नहीं होता, ये लेबर, सस्ती लेबर की वजह से सर्वाइव कर पाती हैं। अब इनसे बोल दिया जाए कि आप बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप ग्रीन हाउस गैस की एमिशन नहीं कर सकते, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगी, क्या ये ट्रांजिशन कर पाएंगी, ये ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगी। तो हर एक देश को ये एंश्योर तो करना है कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांजिशन जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ हो जाए, लेकिन दिस ट्रांजिशन शुड बी इक्विटेबल, दिस ट्रांजिशन शुड नॉट क्रिएट अनरीजनेबल बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स और कंट्रीज, ठीक है। ऐसे ही जो रिच नेशंस है, रिच नेशंस शुड ऑल्सो एंश्योर दैट दिस ट्रांजिशन इज इक्विटेबल, यानी कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ आर ऑल्सो एबल टू ट्रांजिशन टू क्लीनर एनर्जी विदाउट मच बर्डन। तो रिच नेशंस को क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर दूसरे देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उन्हें R&D पे खर्चा करना पड़ेगा। R&D 15-20 साल ले जाती है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी दो, फाइनेंस प्रोवाइड करो। रिच नेशंस के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव आज की डेट में है और होना भी चाहिए, हमारे पूरी अर्थ का नाश मार दिया इन देशों ने, ठीक है। तो इसीलिए इक्विटेबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट कही जा रही है। जो रैपिड चेंज है, रैपिड चेंज बहुत डिसरप्टिव हो सकता है देशों के लिए और देश के अंदर जनता के लिए, हमें इंश्योर करना है कि रैपिड चेंज इक्विटेबल और इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि किसी के ऊपर भी अनड्यू बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारी ये रिपोर्ट आती है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमें 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन पे रीच करना है, और ये जो नेट ज़ीरो एमिशन है ये फेजेस में या फिर लेवल्स में करना है। जैसे कि 2030 तक हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 43% से रिड्यूस कर देना है, 2030 तक हमारी रिडक्शन 43% होनी चाहिए। 2035 में यही रिडक्शन 60% हो जानी चाहिए। अगर हम ये काम कर पाएंगे, इस स्पीड से चल पाएंगे, तो ही हम नेट ज़ीरो CO2 एमिशन पे पहुंचेंगे बाय 2050। तो ग्लोबली ये टारगेट उन्होंने रखा है। ये वाली चीज़ आप एक टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिख के रखिए, बाय 2030 रिडक्शन बाय 43%, बाय 2035 रिडक्शन बाय 60%, एंड बाय 2050 नेट ज़ीरो एमिशन।
ये लिख के रख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन होना चाहिए। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने के ऊपर भी फोकस दिया गया। ये रिपोर्ट रिकमेंड करती कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को आप यूज़ करो और फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करना चालू करो, फॉसिल फ्यूल के यूज़ को। डीफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन को अवॉइड करना है, यानी कि आपको पेड़ पौधे और लगाने, आपको ये इंश्योर करना है कि ज़मीन की डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में भी इसमें बात की गई। कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि ढेर सारी मीथेन रिलीज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल राइस फील्ड, जो हमारे चावल जहाँ पे उगाए जाते हैं, चावल जहाँ उगाए जाते हैं, हमने देखा होगा ऐसे पूरा का पूरा पानी जमा कर रखा होता है और यहाँ पे चावल को बोया जाता है। यहाँ पे ये जो राइस फील्ड्स होती हैं, राइस फील्ड से ढेर सारी मीथेन की एमिशन होती है, जो आपकी कैटल है, कैटल की बर्प के अंदर भी ढेर सारी मीथेन निकलती है। तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इनके अंदर भी चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। हमें कार्बन सिंक्स बनाने की ज़रूरत है। कार्बन सिंक्स ऐसी चीज़ होती हैं जैसे कि फॉरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बन सिंक, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं। अगर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी, ठीक है। पेड़ पौधे एक साथ थे, उन सबको बर्न कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो बर्निंग की वजह से सारी CO2 जो उन्होंने स्टोर कर रखी थी वो रिलीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओ, कार्बन सिंक्स लगाओ। कार्बन सिंक, जब भी कार्बन सिंक बोला जाए आप उसको एफॉरेस्टेशन की तरफ ले जा सकते हैं। लैंड की फ्रेगमेंटेशन को रोकना है, जो छोटी छोटी लैंड हो जाती हैं उनको भी रोकने की कोशिश करना है, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद करेंगे। लॉस एंड डैमेज क्या होता है? मैंने आपसे कहा था कि पहली तो हमारी कोशिश होती है कि क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर दो, कि क्लाइमेट चेंज बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्लाइमेट चेंज होगा उस क्लाइमेट चेंज से जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, इसको लॉस एंड डैमेज कहा जाता है। तो जो हमारे पुअर देश हैं, जो हमारे वल्नरेबल देश हैं दुनिया के, इन देशों ने जो वल्नरेबल पुअर देश होते हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करते, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग तो पूरी दुनिया के लिए हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का असर इन देशों पे भी देखने को मिलता है। इन देशों ने एमिशन तो कुछ नहीं की, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करने में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा लॉस और डैमेज इन्हें झेलना पड़ता है। तो इन वल्नरेबल और पुअर कंट्री को कुछ फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि ये अपनी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। इसको लॉस एंड डैमेज कहा जाता है। हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी लॉस एंड डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, और उसके बावजूद भी जो लॉस एंड डैमेज होगा उसके लिए फाइनेंसेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, फाइनेंसेस टू पुअर नेशंस, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपकी ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट है वो कहती है क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेस को इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है, इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। रीड कर लीजिएगा, जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, लॉस एंड डैमेज के बारे में भी आपको क्लास के अंदर अलग से हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैं लगभग सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता चुका हूँ। नेट जीरो क्या थी ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको रीड करेंगे आप। रीड मैं क्यों करने को कह रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आर गुड फॉर रिवीजन, बट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स यू नीड अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज चाहिए किस तरह से आंसर फ्रेम करना है, और वो कैसे आता है, वो आता है जब आप चीज़ों को रीड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड रिटन एंड टाइप्ड नोट्स दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा। पॉइंट फॉर्मेट के अंदर ही चीज़ें आपकी सारी की सारी हैं, कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि नेट जीरो क्या आता है एक्सप्लेन करो, तो आपको पता है कि ये वाले पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अल्टीमेटली रिवीजन आप हैंड रिटन नोट से ही करेंगे, है ना। तो ये जब आप पॉइंट लिख पढ़ते हैं, जैसे कि नेट जीरो एमिशन पर्टेन्स टू अचीविंग एन ओवरऑल बैलेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब रिवाइज करने के लिए बार बार ये लाइन नहीं पढ़ेंगे, एक दो बार लाइन पढ़ ली और काम चल गया। तो साइड में ही आप क्या लिख देंगे, GHG एडिशन बैलेंस, बैलेंस के लिए कोई भी साइन बना लीजिए, मैं इक्वल टू का बना रहा हूँ, GHG
माइनस, यानी कि जितना रिमूव कर रहे हो और जितना ऐड कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आपने नेट जीरो अचीव कर लिया। तो अगली बार आपको ये पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। सेम अगला देखिए, अ कंट्री कैन सेट टू बी नेट जीरो व्हेन इट प्रोड्यूसेस नो एमिशन आइदर बिकॉज इट हैज़ एक्चुअली फेज्ड आउट ऑल एमिशंस, उसने सारी एमिशन को फेज आउट कर दिया, और बिकॉज इट इज़ रिमूविंग इनफ फ्रॉम द एटमोसफेयर टू ऑफसेट द एमिशन इट रिलीजेस। सेम ही पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नो एमिशन, बस इतना सा ही लिख लीजिए, नो एमिशन। इस तरह से दो तीन पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। और अगली लाइन क्या है, द लेटर कैन बी अचीव्ड बाय रिजॉर्टिंग और बाय रीस्टोरिंग और इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर और थ्रू टेक्नोलॉजी सच एज कार्बन कैप्चर। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, GHG रिमूवल, रिमूवल के लिए मैं नेगेटिव साइन बना रहा हूँ क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मुझे याद रहेगा, GHG रिमूवल एफॉरेस्टेशन से होती है, GHG रिमूवल दूसरा होता है थ्रू टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बस ठीक है। अब ये सेंटेंस पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉल करना आसान होता है लेकिन अल्टीमेटली लैंग्वेज आपको यहाँ से मिलेगी, इसीलिए रीड भी करनी है आपको कुछ चीज़ें। कार्बन न्यूट्रलिटी बिल्कुल नेट जीरो एमिशन के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर हम सारी ग्रीन हाउस गैसेज की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसको रीड कर लीजिएगा और जैसे मैंने आपको समझा वैसे आप इसके नोट्स बना लेंगे। अगला कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंट्री कितने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो वो इंडिविजुअल कितनी GHGs को एमिट कर रहा है, जितने भी GHGs होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इन सभी ग्रीन हाउस गैसेज को हम कार्बन डाइऑक्साइड की टर्म्स में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो मान लीजिए मीथेन है, मीथेन की अगर बात करें हम, तो मीथेन 1 किलोग्राम मीथेन 25 किलोग्राम CO2 के बराबर GHG है, यानी कि हम इस मीथेन को, मान लीजिए मैंने 2 यूनिट मीथेन प्रोड्यूस करी, तो मैं इस 2 यूनिट को कन्वर्ट कर दूंगा इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो कितना हो गया 25 × 2 50 CO2 इक्विवेलेंट, समझ गए। यानी कि हर एक ग्रीन हाउस गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड की टर्म्स में ही पढ़ते हैं, तो मीथेन को भी हम कैसे लिख देंगे, मान लीजिए एक मीथेन का मतलब है 25 यूनिट ऑफ CO2, तो 2 यूनिट मीथेन जब हम रिलीज करें तो उसको 50 यूनिट ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ई लगा दिया जाता है छोटा, इस तरह से CO2 छोटा सा ई इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम इसको CO2 इक्विवेलेंट करके पढ़ते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी देश, कोई भी रीजन, कोई भी इंसान, कोई भी इंडस्ट्री जितने CO2 को एमिट कर रही है, CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही है, उसको कार्बन फुटप्रिंट कह देते हैं। यानी कि आप जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे वो आपका कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा, कोई देश जितना करेगा वो उस देश का हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, तो याद करिए मैंने आपको पीछे बताया था, देखो कार्बन क्रेडिट बेसिकली आपके क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ट्रेडिंग के मैंने 3 मैकेनिज्म बताए थे, ट्रेडिंग के 3 मैकेनिज्म, एक था आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, रिकॉल करिए जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लीन डेवलपमेंट में NXB कंट्री डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट लगा रही है तो उसको क्या मिलते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में NXB कंट्री किसी NXB कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट लगा रही है तो उसको एमिशन रिडक्शन यूनिट्स मिलते हैं। और असाइंड अमाउंट यूनिट्स, अगर कोई कंट्री सेव कर लेती है तो वो इन असाइंड अमाउंट यूनिट्स को ट्रेड कर सकती है, इन तीनों की ट्रेडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ LULUCF, लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट्री, इससे जितने भी रिमूवल यूनिट्स मिलती हैं उसका भी ट्रेडिंग किया जा सकता है। रिकॉल करिए क्या बताया था मैंने आपको, इन सब की ट्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यही जो ट्रेडिंग का पूरा मैकेनिज्म था उसी को ही हम कार्बन मार्केट भी कहते हैं। तो कार्बन क्रेडिट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या डेफिनेशन है, कार्बन क्रेडिट होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कार्बन एमिशंस को परचेज या फिर ट्रेड किया जाता है टू मिटिगेट ग्रोथ इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स, ठीक है। इसको आप रीड कर लेंगे कार्बन क्रेडिट को। इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया को भी अपने NDC सबमिट करने थे, तो इंडिया ने 2015 में अपने पहली बार NDCs सबमिट करें। अब इन NDCs की अपडेशन भी करनी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की मीटिंग चल रही थी। इस टाइम पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को हिंट दिया कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए क्या क्या एफर्ट करने वाला है। पीएम मोदी जी ने 5 प्लेज बताई, 5 कमिटमेंट बताए। इन 5 प्लेज को पीएम मोदी पंचामृत के नाम से रेफर करते हैं, ठीक है, पंचामृत। फिर उसके बाद 2022 में इंडिया ने अपने एनडीसीज को अपडेट भी कर दिया, ठीक है, एनडीसीज को अपडेट भी कर दिया। तो आपके पंचामृत अलग हैं और आपके जो एनडीसीज की अपडेशन है वो अलग है, लेकिन पंचामृत के कुछ आस्पेक्ट आपको एनडीसी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। पंचामृत क्या? पंचामृत ये हमारी खुद की कमिटमेंट है, इसको हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नहीं कर रहे, ये तो हम अपनी तरफ से खुद ही कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ आपकी ये एनडीसीज चलते रहेंगे। ये कमिटमेंट सिर्फ इंडिया की है कि इंडिया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहा है। बेसिकली इंडिया अपना विजन बताना चाहता है दुनिया के सामने कि इंडिया का विजन क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को हम सीक्वेंस में देखते हैं। सीक्वेंस में देखने से पहले एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई देश है, किसी भी देश को अगर अपनी जीडीपी इंक्रीज़ करनी है, अपनी ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करनी है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी, ट्रांसपोर्ट चलेगा, फॉसिल फ्यूल चलेंगे, सीमेंट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बनेंगी, तो उनसे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ठीक है। मान लो इंडिया 2005 में अपनी जीडीपी को 1% से जब ग्रो करता था तो उसकी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 100 यूनिट होती थी। इंडिया ने 2015 में कहा कि मेरी एमिशन इंटेंसिटी 2005 में 100 यूनिट थी, एग्जांपल के तौर पे। 2030 तक मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं जब अपनी जीडीपी को 1% से इंक्रीज करूं तो मेरी ग्रीन हाउस गैस की एमिशन 67 यूनिट्स हो। यानी कि मैंने कितना रिड्यूस कर दिया? 33-35% की रिडक्शन कर दी, ठीक है। तो एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है? एमिशन इंटेंसिटी होती है अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए आप कितनी ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हो। हाउ मच ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग योर जीडीपी बाय 1%, ठीक है। 1% से इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिट करनी है। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करके आप जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हो, उतनी ही आपकी जो डेवलपमेंट है वो डर्टी है, वो क्लाइमेट चेंज को फास्ट करेगी। हमें ये इंश्योर करना है कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस को एमिट करके हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज करते चलें, ठीक है। समझ गए एमिशन इंटेंसिटी क्या है? कि आपको अपनी जीडीपी 1% से इंक्रीज करने के लिए कितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अब इंडिया के टारगेट्स को देखते हैं सीक्वेंस वाइज। वैसे मैंने आपको टेबल दिया, उस टेबल को भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंडिया ने 2015 में जो टारगेट दिया उसके अंदर उसने 3 बातें कही। पहली, एमिशन इंटेंसिटी को मैं रिड्यूस करूंगा, यानी कि मैं कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज करके अपनी जीडीपी को ग्रो करने वाला हूं। दूसरा, मैं नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करूंगा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल करने में, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल करने में। आज की डेट में आपकी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से, विच इज़ अ डर्टी फ्यूल। तीसरा क्या कहा? मैं कार्बन सिंक लगाऊंगा। कार्बन सिंक क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, जैसे कि एफॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे वो पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को उतना ही रिमूव करती रहेगी। तो इंडिया ने कहा 2015 में इंडिया ने टारगेट दिए कि 2030 तक मैं कुछ चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। मैं अपनी एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दूंगा बाय 33-35%। मैं नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा करूंगा और मेरी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% हिस्सेदारी नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ से आएगी, ठीक है। कम फॉसिल फ्यूल और ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल यूज़ करूंगा। 2030 तक मैं 2.5-3 बिलियन टन्स के एडिशनल कार्बन सिंक लगाने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कार्बन सिंक लगाऊंगा, यानी कि इतनी एफॉरेस्टेशन मैं एक्स्ट्रा करूंगा। ये टारगेट इंडिया ने 2015 में अपने सामने रखे थे कि मैं 2030 तक ये अचीव करने वाला हूँ। अब इन टारगेट्स को 2022 में अपडेट कर दिया गया है। तो पहले अपडेटेड देख लेते हैं, पंचामृत को अलग से देखेंगे, ठीक है ना। 2022 में इंडिया ने अपने एनडीसीज को अपडेट किया और अपडेट करके इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि 2030 तक मैं क्या क्या करने वाला हूँ। पहले मैं अपनी एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा था 33-35% से, बट नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस माय एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% ऑफ 2005 लेवल।
तभी मैंने एग्जांपल में 2005 लिया था। 2005 में मैं जो एमिशन इंटेंसिटी रखता था मैं उसका सिर्फ उस एमिशन इंटेंसिटी में 45% रिडक्शन लेके आने वाला हूँ, यानी कि 2030 में मैं केवल 55% ही तो बचा ना। देखो समझा देता हूँ मैं, एमिशन इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ नहीं पाए तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2005 में मान लो इंडिया 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैस एमिट करके 1% जीडीपी ग्रो करती थी, तो 2030 तक इंडिया क्या करेगा, इंडिया केवल 55 यूनिट रिलीज करके 1% जीडीपी ग्रो कर पाएगा। ठीक है, हर 1% ग्रोथ के लिए वो 55 यूनिट रिलीज करेगा, यानी कि उसने कितना रिड्यूस कर दिया, उसने 45% की रिडक्शन कर दी। ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लेकिन हम 2005 के लेवल में 45% की रिडक्शन लेके आएंगे बाय 2030। किस चीज़ में रिडक्शन लानी है, एमिशन इंटेंसिटी में। आई होप अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% रखने वाले थे, ये अब हम 50% रखेंगे। ये वाला जो टारगेट था एडिशनल कार्बन सिंक का, ये सेम रखा। ठीक है, यही आपको ये टेबल बताती है। टेबल क्या बता रही है कि जब पहली बार इंडिया ने एनडीसी सबमिट किए थे तो क्या थे, ऑलरेडी हम देख चुके। 2022 में जो उसने अपडेट किए वो क्या है, और ये बताते हैं कि आज तक इंडिया क्या प्रोग्रेस कर चुका है। तो देखिए, अगर एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन की बात करें तो 2030 तक हम 45% रिडक्शन चाहते हैं 2005 के लेवल का। हम ऑलरेडी आज की डेट में 30% रिडक्शन कर चुके हैं, ठीक है, सॉरी 30% का नहीं किया, 30% के पास पहुँचे हैं, 30% के पास पहुँचे हैं। 2016 में 24% की रिडक्शन कर चुके हैं और 30% के पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल की कंट्रीब्यूशन इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑलरेडी 41% हो चुकी है, ठीक है। कार्बन सिंक अभी तक ये क्लियर नहीं है। तो हमने एनडीसीज देख लिया, एनडीसीज कम इन पेरिस एग्रीमेंट। अब पंचामृत सिर्फ इंडिया के खुद से कमिटमेंट है जो उसने दुनिया को बताए हैं। पंचामृत को आप कैसे याद रख सकते हैं, पंचामृत के अंदर हमने 5 प्लेज लिए हैं जिसमें से एक प्लेज हम 2070 तक अचीव करने की कह रहे हैं, वो है नेट ज़ीरो एमिशन। पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि ग्लोबल लेवल पे नेट ज़ीरो एमिशन कब तक हो जाना चाहिए, 2050 तक। इंडिया कह रहा है कि हम इंडिया का नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक ला पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या नेट ज़ीरो एमिशन इज़ अ टारगेट, इज नेट ज़ीरो एमिशन एन एनडीसी फ्रॉम इंडिया? नो, इंडिया ने नेट जीरो एमिशन का कोई भी एनडीसी नहीं दिया है। सिर्फ वही 3 एनडीसीज हैं जो आप याद रखेंगे, पंचामृत अलग है, एनडीसीज अलग हैं। 2030 में इंडिया ने अपने सामने 5 टारगेट रखे हैं, पहला हमने देख लिया। दूसरे टारगेट की बात करते हैं, दूसरा टारगेट क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट होगी बाय 2030। दूसरा नॉन फॉसिल फ्यूल से, हमने एनडीसीज में क्या अपडेट किया कि नॉन फॉसिल फ्यूल की कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 45% होगी, तो वो एनडीसी अलग है और ये एनडीसी अलग है। रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 50% होगा। तीसरा क्या रखा है, एमिशन इंटेंसिटी को हम 45% से रिड्यूस कर देंगे, ये वाला टारगेट और हमारा अपडेटेड एनडीसी सेम है। और चौथा क्या बोला है, चौथा ये बोला है कि मैं CO2 एमिशंस को, इंडिया ने कहा कि हम CO2 एमिशंस को रिड्यूस करेंगे बाय 1 बिलियन टन्स, ठीक है। ये सारे के सारे, ये 5 जो हैं ये इंडिया के पंचामृत हैं। ये पूरा का पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। इस टेबल को याद करेंगे, जो चीज़ समझाने की कोशिश की है वो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आई होप समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन कौन कौन से फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। पंचामृत के अंदर 2 तरह के टारगेट हैं, एक जो 2070 में अचीव कर रहे हैं और 4 जो कि 2030 तक अचीव करना है, जिसके अंदर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 50% कर देंगे, एमिशन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिडक्शन लेके आएंगे 1 बिलियन टन्स की, ठीक है। अब देखो आज की डेट में अगर मैं 3 बिगेस्ट पॉल्यूटर्स का नाम लूँ, 3 बिगेस्ट पॉल्यूटर्स का नाम लिया जाए, तो सबसे पहला नाम आता है चाइना का। चाइना इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर एट दिस मोमेंट। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए का, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया का, ठीक है। लेकिन
अगर मैं दूसरे तरह से देखूं तो बिगेस्ट पॉल्यूटर चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन है, और चौथे नंबर पे इंडिया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ढेर सारे देश एक साथ आते हैं, ठीक है, ढेर सारे देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अगर मैं यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल यूनिट मान के चलूं तो वो इंडिया से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, पॉल्यूटर नहीं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ईयू इंडिया से ज़्यादा करता है, लेकिन अगर मैं यूरोप के अलग अलग देशों को देखूं तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ये तो एज अ कंट्री है, लेकिन पर कैपिटा एमिशन की अगर बात की जाए, यानी कि देश के अंदर एक इंडिविजुअल, आप और मेरे जैसे इंसान, हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो भी उस देश का ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, जो भी उस देश का ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ कंट्री, उसको डिवाइड कर दिया जाता है बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। इसको कहा जाता है पर कैपिटा एमिशन, यानी कि एक इंडिविजुअल कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है एक देश के अंदर। तो इसके अंदर चाइना की बात की जाए, चाइना का पर कैपिटा एमिशन है 7.2। यूएस की बात की जाए तो यूएस का पर कैपिटा एमिशन है 16.5 टन्स पर कैपिटा, 16.5। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है 1.8 टन्स, ठीक है। तो पर कैपिटा एमिशन की टर्म्स में, पर कैपिटा एमिशन की टर्म्स में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो एमिट कर रहा है वो है आपका यूएसए, 16.5 टन्स, सॉरी यूएसए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका चाइना, चाइना इज एमिटिंग 7.2। फिर आता है आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इज एमिटिंग 6.9। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया बहुत नीचे आता है, और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है 1.8। तो देखो, डेवलप्ड कंट्रीज क्या कहती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि आज की डेट में चाइना इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर एंड इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट, सॉरी चाइना इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट एमिटर। तो इनके ऊपर ज़्यादा टारगेट होने चाहिए, इनको कोई पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, और इनके ऊपर ज़्यादा टारगेट लगाओ। ये डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं, हमारी पर कैपिटा एमिशन देखो ना, तुम्हारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है तब भी तुम इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही लेविश हो चुका है, तुम्हारे यहाँ पे लोग बहुत ही लग्जरी में रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ढेर सारी ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कार को यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो, जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो तुम्हारे यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया कहता है कि हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर्टी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया को इस पावर्टी को रिमूव करने के लिए डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये डेवलपमेंट अच्छी हो तो हमें टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, पर कैपिटा एमिशन वाली चीज़ आप फैक्ट की तरह मेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको आप मेंस में ज़रूर यूज़ करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1.8 पर कैपिटा, चाइना की 7.2, यूरोप की 6.9 एंड यूएस की 16.5। बिगेस्ट पॉल्यूटर बता चुका हूँ, चाइना, यूएस, इंडिया, या फिर चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया। पर कैपिटा की टर्म्स में इंडिया बहुत नीचे आता है, टॉप पे आपका यूएस, चाइना, ईयू आते हैं, ठीक। चलिए, ये था आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड। हमने सितंबर महीने के अंदर जो आपकी न्यूज़ आने वाली है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। अब हम मई के महीने में जो न्यूज़ आई थी उन न्यूज़ को कवर करेंगे। इस बैकग्राउंड के बिना आगे की न्यूज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता आपके लिए, इसीलिए इतना बड़ा लेक्चर थोड़ा सा बेसिक के ऊपर आपका रखा गया। इन एनी केस हमें ये नहीं करना है कि अरे ये चीज़ तो करंट अफेयर्स की नहीं है, ये स्टैटिक की है, ये हम नहीं पढ़ रहे, नहीं, हमें यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी में आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स साथ में लेके चलना पड़ेगा, जितना हो सके उतनी कम डुप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, कम रिसोर्सेज बट मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। चलिए, अब करंट अफेयर्स को चालू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से ही।